का विवाह हुआ तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारी तो किस्मत ही बन जाएगी। अगर कन्हैया हमारे दिमाग बने तो अब नारद चले गए लड़की का भविष्य बता के। अब ये रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे आंगन में समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। तो एक बार रुक्मिणी अपने दरवाजे पे बैठी तो जहां रुक्मिणी द्वार पे खेल रही है तो अक्षमात के द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकल गए कि भगवान का अवतार हो गया। तो रुक्मिणी ने जब ये सुना तो रुक्मिणी अपने मन में एक दूसरी बात सोच बैठी कि श्याम आ गए तो अब हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो कन्हैया के नाम पे दीवानी बन गई रुक्मिणी। वो मन में विचार करती है, सोचती है, तो सोचने लगी रुक्मिणी मन